हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप बिना झिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। ओवरी ही हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसके साथ साथ ही यूट्रस, ओविडक्ट जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, सर्विक्स और वेजाइना, इसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इन सब के अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेमोरी ग्लैंड। इन सब चीज़ों के साथ मेमोरी ग्लैंड मिलकर प्रेगनेंसी की सारी इवेंट्स को सपोर्ट करती हैं और चाइल्ड बर्थ और केयर को भी सपोर्ट करती है मेमोरी ग्लैंड इन सब चीज़ों के साथ। उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारी ओवरी क्या होती है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये हर मंथ एक एग या ओवम प्रोड्यूस करता है। एक एग या ओवम उसी को कहते हैं, हर मंथ ये प्रोड्यूस करता है। स्ट्राइडल हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन ये बनाता है, जिसमें से एक एग्जांपल है एस्ट्रोजन। ओवरी से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। स्ट्राइडल हार्मोन हम लोग कोलेस्ट्रॉल से डेरिवेटेड हार्मोन को कहते हैं। इसकी जो ये जो होता है ओवरी जो हमारी होती है, नीचे के पार्ट में होती है, दोनों ये एब्डोमेन के दोनों साइड होती है, इधर इधर और एक इधर। लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन में होती है और ये अटैच होती है लिगामेंट की हेल्प से। देखिए बायोलॉजी में लिगामेंट समझ लीजिए, बायोलॉजी की रोप का नाम है। बायोलॉजी में जो रस्सी होती है उसका नाम होता है लिगामेंट। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि लेंस हमारा कनेक्ट होता है, जो आई में हमारा लेंस पाया जाता है वो कनेक्टेड होता है लिगामेंट की हेल्प से। अभी आप पढ़ेंगे यूट्रस जो हमारा अटैच होता है पेल्विक वॉल से, वो कनेक्ट होता है लिगामेंट की हेल्प से। यानी बायोलॉजी में कोई भी चीज़ बांधनी होगी, हम लिगामेंट की हेल्प से बांध देते हैं। इसकी जो ओवरी की जो साइज होती है 2-4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और ये इपिथीलियम से कवर्ड होती है। इस इपिथीलियम, थिन इपिथीलियम के अंदर एक स्ट्रोमा भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इनर मेडुला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स, वैसे ही यहाँ भी हम डिवाइड करते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में। इनर मेडुला ये यू है, इनर मेडुला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स में हम स्ट्रोमा को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ओविडक्ट होता है, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये सब के सब एसेसरी डक्ट है। एसेसरी का मतलब ये होता है जो हेल्प करेंगे, जो सेक्स के सारे इवेंट्स में हेल्प करेंगे, वो डक्ट को हम लोग बोलते हैं एसेसरी डक्ट। फेलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, जिसकी लेंथ 10-12 सेंटीमीटर होती है। 10-12 सेंटीमीटर इसका फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना पड़ेगा उसका फिगर, उसकी लेबलिंग याद रखनी पड़ेगी। और जो टिपिकल फिगर होते हैं, जनरली वो फिगर एग्जाम में नहीं दिए जाते ताकि बच्चों को डिफिकल्टीज ना पेश आए, बच्चों को डिफिकल्टीज ना हो उनके बनाने में, इसलिए टिपिकल फिगर की ज़्यादातर जनरली लेबलिंग आती है कि जगह जगह आपको ए बी सी डी करके बता देंगे, आपको लेबलिंग करनी पड़ती है, उनको पहचानना पड़ता है। जबकि जो ईजी फिगर होते हैं उनको बनाने के लिए आता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी और फेलोपियन ट्यूब का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसलिए एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए ज़रूर बुक पर। फेलोपियन ट्यूब हमारी जो होती है 10-12 सेंटीमीटर होती है, जो ओवरी से लेकर यूट्रस तक फैली हुई होती है। 10-12 सेंटीमीटर होती है ओवरी से लेकर यूट्रस तक फैली हुई होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके ओवरी के सॉरी फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं सबसे पहले पार्ट को, जो ओवरी, जिससे ओवरी ये कनेक्ट होती है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम।
इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। देखिए ये पार्ट जो होता है ओवरी से, ये हमारी ओवरी है, ओवरी से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, जबकि ये हमारी यहाँ यूट्रस अगर है, यूट्रस से सबसे ज़्यादा दूर होता है। ये जो पार्ट होता है इनफंडिबुलम, ये ओवरी से सबसे ज़्यादा पास होता है, जबकि यूट्रस से, ये यूट्रस है, यूट्रस से सबसे ज़्यादा दूर होता है इनफंडिबुलम वाला पार्ट। इन फंडिबुलम वाले पार्ट में एक खास चीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, जब यहाँ से एग या ओवम रिलीज होगा तो ये क्या कर लेगा, इसको कलेक्ट कर लेगा। जब एग ओवरी से एग या ओवम निकलेगा तो ये इनफंडिबुलम वाले पार्ट में जो फिम्ब्री है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये फिम्ब्री जो है इसको कलेक्ट कर लेगी और आगे भेज देगी। इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट होता है उसका नाम होता है एम्पुला। एम्पुला थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, एम्पुला थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला सेकेंड पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, ये मैंने पूरी फैलोपियन ट्यूब बनाई है, फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी मैंने फैलोपियन ट्यूब बनाई नीचे तक, यानी ये सब फैलोपियन ट्यूब के ही पार्ट है। एम्पुला जो होता है वो सबसे ज़्यादा फूला हुआ पार्ट होता है, सबसे वाइडर पार्ट होता है। इसके बाद होता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है, इस्थमस जो होता है वो सबसे ज़्यादा नैरो होता है, इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के हमारे तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है इनफंडिबुलम, दूसरा वाइडर पार्ट एम्पुला, और उसके बाद सबसे नैरो पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस ही यूट्रस से कनेक्टेड होता है, यूट्रस के सबसे पास वाला पार्ट, यूट्रस यानी जिस पार्ट से फैलोपियन ट्यूब के जिस पार्ट से कनेक्टेड होती है, क्लोजेस्ट पार्ट होता है इस्थमस, जबकि फार्देस्ट पार्ट होती है हमारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या करता है, एग या ओवम को जो हर मंथ निकलता है उसको कलेक्ट कर लेता है, ऐसे उंगली की तरह कैच कर लेता है, जैसे जैसे आप लोग बॉल कैच करते हैं वैसे ये फिम्ब्री एक निकलने वाले एक को कैच करके यहाँ भेज देती है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो वाइडर पार्ट होता है यहीं पर स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं, इसी रीजन में होता है हमारा फ्यूज़न, एम्पुलरी रीजन में ही हमारा फ्यूज़न होता है। उसके बाद ये इस यूट्रस को हम लोग देखते हैं, इस यूट्रस की भी एक यूट्रस जो होता है ये कनेक्ट होता है हमारे पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। मैंने पहले ही कहा कि लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल रोप, बायोलॉजिकल रोप को ही हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। तो ये यूट्रस लिगामेंट से कनेक्ट होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उल्टा नाशपाती का शेप इसका होता है, ये सिंगल होता है, और इसी को हम लोग यूट्रस ही को हम लोग वम्ब बोलते हैं, जिसको हिंदी में बच्चेदानी बोलते हैं, इसी को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। अब ये जो हमारा यूट्रस होता है इसकी तीन वॉल होती है, लेकिन उससे पहले यूट्रस जो ये हमारा है, ये यूट्रस जो है इसके आगे सर्विक्स, ऐसे पतली सी नली होती है सर्विक्स, ये पतली सी नली जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, और इस नली को हम लोग बोलते हैं जो यहाँ जगह बीच में दिख रही है सर्वाइकल कैविटी, जिसको हम लोग नाम देते हैं सर्वाइकल कैनाल। उसके बाद हमारा वेजाइना होता है, वेजाइना और सर्विक्स मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल, वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। अब यूट्रस में, ये यूट्रस जो हमारा है इसके पास तीन लेयर होती है, यूट्रस के पास तीन लेयर होती है। अब हम इस लेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमिट्रियम, उसके बीच वाली जो लेयर होती है मायोमेट्रियम, बीच वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो हमारा यूट्रस था, ऐसे ये जो हमारा यूट्रस था, यूट्रस के जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमिट्रियम, जबकि जो मिडिल वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं मायोमिट्रियम। मायोमिट्रियम जो पेरीमिट्रियम होती है वो थिन होती है, जबकि जो मायोमिट्रियम होती है वो थिक लेयर होती है।
मायोमेट्रियम थिक होती है और स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। मायोमेट्रियम थिक होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। पेरीमेट्रियम थिन होती है और सबसे बाहर की होती है। मायोमेट्रियम एम से मायोमेट्रियम, एम से मिडिल में होती है। इसके बाद जो अंदर एकदम लेयर होती है, ये अंदर वाली जो लेयर होती है, इसका नाम होता है इंडोमेट्रियम। जो ग्लैंडुलर होती है, बहुत सारे इसमें ग्लैंड पाए जाते हैं, इंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब ये मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम के दो काम होते हैं। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है, चाइल्ड की डिलीवरी के टाइम मायोमेट्रियम में स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप वैसे भी याद रखिए, स्मूथ मसल जहां भी होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता ही होता है हमारी बॉडी में। मायोमेट्रियम में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट गो अंडरगोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहीं से लेबर पेन अराइज होता है, मायोमेट्रियम में ही से। उसके अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इंडोमेट्रियम, जो ग्लैंडुलर होती है, यही एवरी मंथ इट गोज अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग मेंसुरल साइकिल। इन एवरी मंथ इट गो इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंसुरल साइकिल। ये हर मंथ मेंसुरल साइकिल में चेंजेस इसी में होते हैं। यही लेयर टूटकर ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है, यही ब्लड के फॉर्म में हर मंथ बाहर आती है। इसके बाद हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मोन्स प्यूबिस, लेबिया माजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस होते हैं। मोन्स प्यूबिस क्या है? ये फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैटी जिस पर हेयर पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस एक हमारे पास स्किन का टिश्यू का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माजोरा। लेबिया माजोरा टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माजोरा। पेयर्ड में होता है लेबिया माजोरा, मैंने लेबिया नहीं लिखा, लेबिया माजोरा। इसके अंदर, इस लेबिया माजोरा के अंदर एक पतली सी स्किन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो पतली वाली स्किन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। जहाँ लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन होता है, यानी ऊपर वाला, जहाँ ये ऊपर जाके दोनों मिलती हैं, यहाँ ऊपर मिलते हैं, यहाँ एक फिंगर लाइक, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। इट इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस, इट इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, उसके ऊपर एक मिम्ब्रेन होती है, पार्शियली कवर्ड मिम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ऐसे करके पार्शियली कवर्ड मिम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन, इसको हम बोलते हैं हाइमेन। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है मेमरी ग्लैंड। जितने भी मैमल हैं, सब के अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, बट फंक्शनल मेमरी ग्लैंड ओनली फाउंड इन फीमेल। मेमरी ग्लैंड जो बना हुआ होता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। ये जो मेमरी ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ये बनाते हैं डिवाइड कर करके 15 to 20 मेमरी लोब्स। ये जो मेमरी लोब्स होते हैं, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई सेल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे एल्वियोलाई के सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट द मिल्क एंड स्टोर द मिल्क इन इट्स ल्यूमेन और इन इट्स कैविटी। ये अगर हम ल्यूमेन का सेल बनाते हैं, तो इसके अंदर जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई बोलते हैं, या कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई सेल होते हैं, वो ज्वाइन होकर बनाते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। ये मेमोरी ट्यूब्यूल, ढेर सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मेमोरी डक्ट ओपन होती है मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला जो है ओपन होता है। लैक्टिफेरस डक्ट, मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम दिस मेमोरी लैक्टिफेरस डक्ट। आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। ये चैप्टर आपको आसान भले से लगता हो, लेकिन इससे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं अंदर से, तो बच्चे अक्सर नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी चैप्टर को लाइटली मत दीजिए, अच्छे से पढ़िए। एग्जाम में जब आए तो उसको अच्छे से आप लिखिए, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कोई भी
कोई भी क्वेरी हो, बिला झिझक बिला हिचक आप कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, थैंक यू।